पश्चिम बंगाल में मारे गए बीजेपी नेताओं के परिजन नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। बता दें आपको कि बंगाल के 54 परिवारों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। बंगाल में बीजेपी की इस रणनीति को लेकर ममता बनर्जी बेहद नाराज दिखाई दी हैं और इसे लेकर उन्होंने पीएम के शपथ ग्रहण में आने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर मीडिया का जो है जमावड़ा लगा हुआ है, बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि तमाम काफी मतलब एक तरह से भीड़ यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और ये जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बात बताइए कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं टोटल कार्यकर्ता नहीं, जितना फैमिली है वो आ रहे हैं। हाँ, 70 का आसपास है वो संख्या। कितने सभी जिले से आ रहे हैं? सभी जिले से आ रहे हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो परिजन परिवार के लोग आए हैं और इसको लेकर कि बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, किस तरह से वहां पर गुंडा तंत्र चल रहा है और चुनाव के दौरान आपने देखा कि किस तरह से बाबुल सुप्रियो से लेकर जो भारती घोष है उन पर हमला किया गया, तो क्या माहौल है कोलकाता में उसको बताने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है उनके निकलने का सिलसिला हो गया है। वो सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है उससे बाहर निकल रहे हैं। काफी तादाद में जो कार्यकर्ता है देख सकते हैं उनके हाथों में फोटो और तस्वीर लिए हुए हैं। ये बीजेपी के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम अलग अलग इलाकों से ये जो है परिवार के लोग आए हैं बंगाल के अलग अलग इलाकों से। तो ये नजारा है यहाँ पर, देखिए कि किस तरह से जो कार्य मतलब बीजेपी के परिवार के लोग हैं जो जो जिन्होंने हिंसा में खोया। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? पश्चिम बंगाल में कहाँ से? 1 महीने। देख सकते हैं कि किस तरह से कितने लोग थे टोटल? 60 से 62 है। सब लोग कहाँ से? अलग अलग वेस्ट बंगाल से आया सब। सभी ने अपने अपने लोगों को खोया? सभी ने खोया है। वहाँ पे जो टीएमसी वालों ने जो किया है ना, जो बहुत अत्याचार किया है, गणतंत्र नहीं था वहाँ पे। बस अभी जो 2019 में चुनाव हुआ है उसमें गणतंत्र का जय हुआ, मोदी जी का जय हुआ, इसलिए कुछ उस लोगों को सजा मिले। इस लोग मोदी जी ने खुद उसको निमंत्रण किया है, आमंत्रण किया है जो उस लोगों को आने के लिए। मोदी जी जो बोलता है सबका साथ सबका विकास, आज तो द्वितीय बार शपथ ले रहा है, इसलिए हर इंडिया में एक ही बात मैसेज दे रहा है जो किसी को मोदी जी ने भूला नहीं, सबका साथ है। भाजपा का साथ जो जुल्म हुआ है सबको लेके भाजपा चल रहा है एवं द्वितीय बार प्रधानमंत्री हो रहा है।